बहन जी और बबुआ दोनों ही संकट में हैं। जी हाँ, पहले तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए खनन घोटाले की जांच के साथ ही अब मायावती राज में हुए स्मारक घोटाले की फाइल भी ईडी द्वारा खोल दी गई है। बसपा प्रमुख मायावती 2007 से 2012 तक मुख्यमंत्री रही थी और इस दौरान स्मारकों में 111 करोड़ का धांधली का आरोप लगाते हुए ईडी द्वारा छापे मारे गए। कुल मिलाकर सतर्कता विभाग द्वारा 2014 में दर्ज की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है और यह कहा जाता है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बसपा के राज में लखनऊ में अंबेडकर स्मारक, काशीराम स्मारक, बुद्ध विहार, शांति उपवन, काशीराम इको गार्डन, कांशीराम संस्कृति स्थल, रमाबाई अंबेडकर स्थल, प्रतीक स्थल, समतामूलक चौराहा, नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल तथा 33 एकड़ जमीन में ग्रीन गार्डन का निर्माण किया गया और इन स्मारकों के कुल निर्माण लागत उस समय 5,919 करोड़ रुपए आई थी। कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में घोटाला किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।